कोरोना वायरस की दूसरी लहर बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों और युवाओं के लिए भी घातक साबित हो रही है। दिल्ली समेत तमाम बड़े शहरों में बेकाबू स्ट्रेन से बचने की कोशिश की जा रही है। हेल्थ अथॉरिटीज लोगों से लक्षण नजर आते ही जांच कराने की अपील कर रही है। हालांकि लक्षण दिखने के बावजूद कुछ लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में जाँच प्रक्रिया के दौरान कुछ खास बातों पर गौर करना बहुत जरूरी हो गया है। कब कराएं टेस्टिंग? हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक कोरोना वायरस के कई सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि बुखार, बदन दर्द, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ठंड लगना, सांस में तकलीफ इत्यादि। इसके अलावा आंखों में लालपन, लूज मोशन और कानों से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। ऐसा कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाएं। कब ना करवाएं टेस्ट? एक्सपर्ट्स के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीन के दोनों डोज लिए 2 सप्ताह से ज्यादा वक्त हो चुका है और उनमें कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा, तो मरीज के कॉन्टेक्ट में आने के बाद उन्हें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। कौन सा टेस्ट करवाएं? RT-PCR एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जबकि RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जो COVID-19 का तुरंत रिजल्ट देता है। RAT की पॉजिटिव रिपोर्ट COVID-19 की पुष्टि करती है, लेकिन अगर RAT की रिपोर्ट नेगेटिव हो और फिर मरीज में लक्षण है तो RT-PCR कराने की सलाह दी जाती है। सिटी वैल्यू। सिटी स्कोर और सिटी वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। RT-PCR में सिटी वैल्यू का मतलब है साइकिल थ्रेशहोल्ड वैल्यू, जो कि मरीज में वायरस के लोड का एक मार्कर है। सिटी वैल्यू जितनी कम होगी, मरीज को खतरा उतना ज्यादा होगा। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।